हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं अपनी एल्ट्रोस के बारे में कुछ, उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सो जितना तक मुझे पता है, जितना तक मैंने यूज़ किया है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ चीज़ें जो एल्ट्रोस में इंटीरियर में है थोड़ी बहुत, वो सब भी मैं ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। तो चलिए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको हम एल्ट्रोस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखता है, ये डिस्प्ले इस ऐसा दिखता है। सो पहले मैं इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ तो आप सारे फंक्शंस हम इसमें देख पाएंगे। अगर इग्निशन आपका ऑन नहीं है तो आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, व्हीकल सेटअप या करेंगे तो यहाँ पे टर्न ऑन द इग्निशन करके आएगा। तो हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो है, आपको पार्किंग कैमरा आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ तो इस तरीके का कुछ आपको वीडियो क्वालिटी मिलता है। क्वालिटी आपका उतना भी अच्छा नहीं है और ख़राब भी नहीं है, एवरेज है, अच्छा है, मैनेजेबल है। तो आप पार्किंग कैमरा भी आपने देखा और बाकी चीज़ें आप चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आप इस पे सेटिंग्स में जाएंगे, व्हीकल सेटअप पे जाएंगे। आपको पार्क असिस्ट का ऑप्शन देता है। पार्क असिस्ट में आप जो टोन आपका रहता है, जैसे आपका कोई म्यूजिक चल रहा हो और आप रिवर्स, पार्किंग कैमरा आपका ऑन है, आप रिवर्स आपको जाना है, तो म्यूजिक के साथ में आपको जो बीप साउंड आता है, अगर आपका सेंसर के नज़दीक कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो एक बीप साउंड आता है, तो उसका वॉल्यूम कितना तेज और कम रहना चाहिए वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पार्किंग कैमरा ऑन करने, मतलब रिवर्स गियर डालने के बाद आप चाहते हैं कि आपका म्यूजिक बंद हो जाए, तो आप यहाँ पे ये मिक्स विथ ऑडियो का जो है इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, जो एम्बियंट लाइट है इसके लिए आपको पार्किंग लाइट ऑन करना पड़ेगा जो स्टेयरिंग के इस साइड में है। यहाँ पे आपको ये पार्किंग लैंप ऐसे ऑन करना पड़ेगा। तो ये ऑन होते ही आपको, मैं नाइट में ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा तो मैं आपको उसका वीडियो, वो चीज़ आपको मैं नाइट में नाइट का वीडियो एक डाल दूंगा इसके साथ। सो आप जैसे ही वो ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लू लाइट आपका ऑन हो जाता है और फ्रंट के पैसेंजर साइड के पैर के पास एक लाइट ऑन होता है और ड्राइवर सीट के पास भी लाइट ऑन होता है और आपका यहाँ पे भी लाइट ऑन होता है जहाँ पे आपका ये बॉक्स है, इसमें भी ब्लू कलर का लाइट यहाँ पे दिखेगा, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, अभी डे टाइम में ये वीडियो है तो लाइट उतना अच्छे से क्लियर नहीं आएगा, बट रात में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो एम्बियंट लाइट जो है वो आप ऑन करने पर नहीं जले, उसको बंद करना चाहते हैं, तो आप ये सेटिंग्स में जाके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और आपका जो अप्रोच लैम्प है, मतलब जो आपका लाइट जला है, आप सब कुछ बंद कर देते हैं तो कितने सेकंड्स के अंदर में वो सारे लाइट्स ऑफ हो जाने चाहिए, वो मिनिमम आपका 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स, 90 सेकंड्स, ये आपका इस टाइप का आएगा, तो आप वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फिर ऑडियो सेटअप में जब जाएंगे तो आप म्यूजिक अपने हिसाब से, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से आप म्यूजिक का सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि जो म्यूजिक है वो सिर्फ को पैसेंजर के साइड में ही साउंड बजे, तो आप यहाँ पे इस पे, यहाँ पे आपको लाना होगा तो सिर्फ लेफ्ट साइड का साउंड बॉक्स फ्रंट का बजेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पीछे के साउंड बजे तो सिर्फ लेफ्ट साइड का पीछे बजेगा, और आप चाहते हैं कि दोनों साइड में सिर्फ पीछे साउंड हो तो आपको ये सेंटर में लाना है, तो पीछे सिर्फ बजेगा म्यूजिक, आगे आपको नहीं बजेगा। और यहाँ पे आप चाहते हैं सिर्फ आगे में दोनों बजे तो सिर्फ आपको सेंटर में यहाँ पे लाना है, और सारे स्पीकर ऑन करने के लिए आपको ये मिडिल में रखना है। और डायरेक्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, फ्रंट रियर, फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फ्रंट म्यूजिक बजेगा, रियर पे क्लिक करेंगे तो रियर बजेगा, और उसके बाद रीसेट पे मारेंगे तो सारे म्यूजिक आपके बजेंगे। तो ये रहा म्यूजिक सिस्टम का। यहाँ पे आप फोन सेटअप कर सकते हैं, आप कोई भी डिवाइस अपना पेयर कर सकते हैं, पेयर न्यू डिवाइस पे आपको अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन रखना है, यहाँ पे आपके फोन का नाम आएगा और आपको वो सेलेक्ट करना है तो आपका कनेक्ट हो जाएगा।
आप इसका डिवाइस विजिबिलिटी ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, अगर चेकबॉक्स पे नहीं है तो नहीं रहेगा, और चेकबॉक्स की है तो आपका डिवाइस विजिबिलिटी रहेगा। तो SMS अलर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जैसे आपका फ़ोन कनेक्टेड है इससे और आपको SMS आता है तो आप क्या साउंड आपको रखना है या कोई भी साउंड नहीं रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नो नोटिफिकेशन, तो आपको डिस्प्ले पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैसेज का, और अगर आप बीप साउंड या सिर्फ पॉपअप तो आपको साउंड यहाँ से नोटिफिकेशन का अलर्ट का साउंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप आइए वॉल्यूम सेटअप में, तो आपका स्टार्टिंग वॉल्यूम 11 रखना है, जो रखना है आप वो यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम आपको चाहिए, तो जैसे मान लीजिए आपकी कार धीरे चल रही है, आप गाना आपके कार में बज रहा है, तो आप अगर ये चेकबॉक्स टिक करके रखते हैं तो जैसे जैसे आपकी कार की स्पीड ज़्यादा होगी वैसे वैसे आपके इंटीरियर में म्यूजिक का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता रहेगा। आपकी कार की स्पीड अगर कम होगी तो आपका म्यूजिक का वॉल्यूम भी अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आप उस टाइम पे अगर खुद मैनुअली आप वॉल्यूम ज़्यादा या कम करते हैं तो ये वाला कुछ टाइम तक आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब एक दो गाने प्ले हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं और स्पीड में आपकी कार ज़्यादा जा रही है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम तेज़ और कम दोनों होते रहेंगे। और यहाँ पे सिस्टम सेटअप में आप अगर आएंगे तो आप डेट एंड टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो मेरा ऑलरेडी सेट है। और यहाँ पे आप थीम्स चेंज कर सकते हैं, कलर जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर टाइप का है, पर्पल ही होगा ना, मतलब वही जो भी है। तो कलर्स आप यहाँ पे आइए और ये ब्लू करेंगे तो आपका ब्लू हो जाएगा। जो भी कलर आपको पसंद है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे कलर चेंज करेंगे सेम कलर आपका राइट साइड में जो आपका स्पीडोमीटर है, डिजिटल क्लस्टर है, उसमें आपको चेंज होगा। देखिए जैसे मैं वहाँ पे अभी कलर जो है वो मैं ब्लू कर रहा हूँ, तो देखिए इधर भी ब्लू हो गया। सो मुझे फिलहाल अभी यही अच्छा लग रहा है तो मैं यही सेट करके रख रहा हूँ। और ये तो अभी थीम आपने देखा चेंज हुआ, और यहाँ पे आपको आपका सॉफ्टवेयर डिटेल देगा। सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो मेरे में अपडेटेड नहीं है, ये R12 है और लेटेस्ट वाला जो है R14 है। तो अभी मेरा सेकंड सर्विस के लिए मैं जाऊंगा तो शायद वो लोग अपडेट करेंगे। और मुझे अभी मैंने ड्राइव किया है अपनी कार 4660 किलोमीटर, तो अभी तक मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ है। और अभी कुछ दिनों से मुझे थोड़ा इसमें लैग मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जैसे अगर मैं रिवर्स कैमरा ऑन होता है मेरा, मतलब रिवर्स अगर करता हूँ तो डिस्प्ले जो है फ्रीज हो जाता है, मतलब जो व्यू दिख रहा है वो वहीं पे पॉज रहता है, गाड़ी मूव होते रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप का थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो शायद वो अपडेट के बाद ना आए। और जो गाड़ी में एक लॉक हम लोग करते हैं तो एक हॉर्न का साउंड पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है वैसा। जब भी मैं लॉक करता हूँ कार बाहर से तो एक हॉर्न का साउंड आता है। तो अब शायद पता नहीं मेरे से कुछ सेटिंग्स में कुछ चेंज हुआ है या सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है, क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो वो शोरूम जाके ही पता चलेगा। बट मैंने जो भी चेक किया है तो वैसा कुछ मुझे यहाँ से सेटिंग्स में सारा चीज़ ओके ही मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब हम सेकेंड सर्विस के लिए जाएंगे, तो अभी सिर्फ हम इसके ऊपर आपको बताएंगे। तो अभी आपने वॉल्यूम सेटअप थीम्स वगैरह और ये देख लिया, यहाँ पे आपको इसका सोर्स लाइसेंस डिस्क्लोजर जो है आपको अबाउट में मिलेगा, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, सो वो सब पढ़ के नहीं बता सकते अभी। नेक्स्ट आप इसका होम पे जाएंगे तो आपको कार का ये इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ से रेडियो ऑन कर सकते हैं। और एक और चीज़ है इसमें कि आप इसको अगर अनम्यूट मैं करता हूँ, ये म्यूट है, तो कार में आप जैसे ही बैठते हो और आपका रेडियो देखे ऑन हो अच्छा जाता है। लगता है तो सो इसको बंद करने का कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, आपको म्यूट ही करना पड़ेगा रेडियो के लिए। और यहाँ से डायरेक्ट आप फोन सेटअप वगैरह ओपन कर सकते हैं, और जो अभी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको,
और यहाँ पे एम्बियंट लाइट के लिए भी आप जा सकते हैं, ऑडियो सेटअप, कॉन्टैक्ट्स अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो, और ब्लूटूथ का भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अब वॉइस कमांड भी है इसमें, तो जैसे अभी तो कुछ कनेक्ट है नहीं फ़ोन वगैरह, तो वॉइस कमांड में आपको शो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। प्ले म्यूजिक, Playing all songs. Cancelled. कैंसिल, बिकॉज अभी कुछ भी चीज़ इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो ये अभी म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता है, इसीलिए कैंसल आता है। अगर आपका फोन या कोई डिवाइस आपका कनेक्टेड है तो वो चीज़ काम करता है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप डिस्प्ले इससे ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे आपका इंफोटेनमेंट का स्क्रीन ये ऑन है और आप चाहते हैं कि म्यूजिक चलते रहे और ये स्क्रीन बंद हो जाए, तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। आपका डिस्प्ले बंद हो गया और ऑन करने के लिए आपको नीचे में यहाँ बटन ये दबाना है, तो संगीत आपका के ऑन हो सिलसिले जाएगा। में और यहाँ से आप रेडियो चेंज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। यूजर्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से आप क्लाइमेट एसी का कंट्रोल कर सकते हैं, फैन आपको कितना टेम्परेचर पे रखना है, फैन आपका कितना स्पीड में रखना है, कलर, लाइटनिंग, साउंड, वो वगैरह आप यहाँ से मैन्युअली आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन नहीं है तो एसी आप यहाँ से अभी मतलब एसी ऑन नहीं है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एसी ऑन होने पे वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बस इतना ही था यहाँ पे। और ये जो है आपका ये सिंबल पे अगर आप क्लिक करेंगे और ये ऑफ हो जाएगा, तो इंफोटेनमेंट पे आपका इस डिस्प्ले पे जो भी म्यूजिक वगैरह आपका प्ले हो रहा है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, डिजिटल क्लस्टर पे आपको नहीं शो होगा। सो आप देखिए इस तरीके का रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए टॉप में, ये टॉप में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे ऑफ किया है। तो अभी मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन किया और यहाँ पे देखिए FM 102.5 mAh आ गया जो कि प्ले हो रहा है अभी, जो म्यूट है। और अगर मैं यहाँ पे आप देखते रहिएगा, मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ किया तो आप देखिए वहाँ पे हट गया, वो नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो जितना चेक जो भी चीज़ अभी तक मैंने यूज़ किया वो चीज़ मैंने बताया। और यहाँ पे आपका एंड्रॉयड ऑटो है, कार प्ले, जो आपको फ़ोन कनेक्ट करना है यूएसबी से। सो मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है। तो आप यूएसबी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है। फ़ोन कनेक्ट करने पे ये इनेबल हो जाएगा आपका एंड्रॉयड ऑटो, बच्ची समझ के शेयर करना। आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्ले बार इस होने लग बच्ची के गया। चेहरे को देख के, जिसकी उम्र अच्छा, कनेक्ट होते ही एक मेरा रिकॉर्डिंग एक था जो अचानक से प्ले होने लगा। सो आप एंड्रॉयड ऑटो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको लोकेशन ऑन कीजिए अपने फ़ोन में, तो आपका गूगल मैप वगैरह यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और होम बटन पे जाइए तो कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले आएगा, यहाँ से आप मैप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे टाटा मोटर्स, अपना फ़ोन वगैरह कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं। और मैप आप ओपन कर सकते हैं। सो भी मैंने शायद मेरा डेटा ऑफ नहीं, ऑन है बट स्लो है इंटरनेट, इसलिए मैप्स मैप ओपन होने में टाइम लग रहा है। सो कुछ ऐसा मैप ओपन होगा, आप यहाँ से वॉइस भी कर सकते हैं, पटना टू रांची, इंटरनेट बहुत ही स्लो है सो ये होने में टाइम लग रहा है। सो चलिए इसको इग्नोर करते हैं, आप जब वो सर्च करेंगे तो उस तरीके से आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आप कैलेंडर वगैरह ये सब देख सकते हैं, म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आपका एंड्रॉयड ऑटो काम करता है।
सॉरी, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो आपका आपका मेन स्क्रीन इस तरीके का आ जाता है। सो आप ब्लूटूथ से भी अपना फ़ोन कनेक्ट होगा, आपको ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे आना है। और अगर आप ऑलरेडी पेयर कर चुके हैं अपना फ़ोन तो ये जो है बीटी ऑडियो लिखा हुआ वो आपका इनेबल हो जाएगा। सो उसके लिए बस आपको अपना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रखना है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड आ गया और आपको म्यूजिक प्ले करने के लिए बीटी ऑडियो इसको सेलेक्ट कर देना है। 9:35। सो आपका म्यूजिक यहाँ पे आ जाएगा। सो आप जो भी म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं किसी भी ऐप से या जो भी आपके फोन में प्ले होगा वो आप प्ले कर पाएंगे। ये देखिए तो इस तरह से आप प्ले कर पाएंगे। और अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो आप सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस पे टच करना है और आपका फ़ोन का डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन रखना है। तो यहाँ पे लिस्ट आएगा और आप उसको क्लिक करके कनेक्ट करेंगे। और एक बार कनेक्ट होने के बाद जब भी आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो कार का आप अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। सो मेरे में ये सब एक्स्ट्रा है तो मैं आप यहाँ से इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं डिवाइस। तो ये वीडियो इतना ही था। सो इसके अलावा मैं आपको नाइट में इसका इंटीरियर व्यू कैसा दिखता है, लाइट्स कैसे दिखते हैं वो मैं आपको शो करूँगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये आप इंफोटेनमेंट के बारे में जो भी मुझे जानकारी थी, जो भी मुझे समझ में आया वो चीज़ मैंने आपको बताया है। और इसी तरह हम आपको अगले नए वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको आएगा, वीडियो देखें और इसी तरह खुश रहें। धन्यवाद।